उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने आज कोविड के मामलों से निपटने और महामारी की पिछली लहर के दौरान प्राप्त अनुभव को फौरी तौर पर अमल में लाने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन अपना धर्म और कर्तव्य मानते हुए करना चाहिए। मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाए रखना, टीका लगवाना और खुद को और अपने समाज को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। कोविड टीकाकरण को लेकर जारी अब तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोविड 19 टीकाकरण कवरेज 147.72 करोड़ से अधिक हो गया है। विगत 24 घंटों में 96 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटों में 15,389 मरीज ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने वाले रोगियों की कुल संख्या महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक 3,43,21,803 हो गई है। इस लिहाज से देखें तो भारत में रिकवरी दर 98.01% है। देश भर में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत स्मार्ट सिटीज मिशन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज एंड अकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और देश के अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 15 प्रमुख योजना और वास्तुकला संस्थान स्मार्ट शहरों के साथ मिलकर स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे। ऊर्जा मंत्रालय ने उजाला कार्यक्रम के अंतर्गत एलईडी बल्बों के वितरण और बिक्री के सफलतापूर्वक 7 साल पूरे कर लिए हैं। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 36.78 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम की सफलता इस बात में अंतर्निहित है कि इसके जरिए हजारों लोगों के जीवन में बदलाव आया है और इसके जरिए ऊर्जा दक्षता व ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी। अटल पेंशन योजना की स्थापना के 6.5 साल से अधिक की अवधि में अब तक 3.68 करोड़ लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है। इस वित्तीय वर्ष में प्रदर्शन और भी अच्छा रहा क्योंकि इस दौरान 65 लाख से अधिक ग्राहकों ने पंजीकरण करवाया है, जो योजना के शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे अधिक पंजीयन है। न सिर्फ पंजीयन बल्कि पुरुषों की तुलना में महिला सदस्यता अनुपात में 56:44 के दर से सुधार हो रहा है। इसमें प्रबंध के अंतर्गत संपत्ति लगभग 20,000 करोड़ रुपए है।